चौधरी का लालू यादव पर हमला सामने आया। लालू यादव को बताया अपराधियों का मुखिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कराते थे आरजेडी सुप्रीमो। ये बात सम्राट चौधरी की ओर से कही गई है। विचारधारा से कोई समझौता नहीं है, ये तमाम बातों का जिक्र सम्राट चौधरी ने किया। इसके साथ उन्होंने कहा 13 लाख लोगों को मिलेगा पक्का मकान, सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर का निर्माण होगा। इन तमाम बातों का जिक्र सम्राट चौधरी ने किया। तो जहां एक और उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला, तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा विचारधारा से कोई समझौता नहीं है, इसके साथ ही सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर का निर्माण होगा। तो बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला करते हुए तमाम और बातों का जिक्र किया। क्या कुछ कहा सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, आपको याद होगा साथियों, 1,25,000 करोड़ का अतिरिक्त पैकेज बिहार को देने का काम किया, जिसे आज बोलने और सारे जगह हॉस्पिटल्स बनने का काम किया। और आगे भी हमें पूर्ण भरोसा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और बिहार में जो विकास की गति है इसको दुगनी करने का काम हम लोग सभी साथियों करने का काम करेंगे। इसलिए आप तमाम विस्तृत कार्य समिति में सभी सदस्य आए, सभी माननीय मंत्री भी बैठे हैं, सभी माननीय विधायक भी बैठे हैं, जिला के अध्यक्ष बैठे हैं, जिला प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं। पूरी संगठन की संरचना नीचे तक और मजबूत करना है और 2025 में संकल्प लेना है कि 2025 के चुनाव में पिछले बार 127 सीट हम लोग बिहार में जीत कर आए थे, इस बार हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि 2010 का भी रिकॉर्ड इस बार एनडीए तोड़ने का काम कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब आपका आशीर्वाद मिले। आपके आशीर्वाद से भी 40 में 30 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया, आरजेडी को 4 सीटों पर रोकने का काम किया और पूरे प्रदेश में हमारे संगठन के लोग लगातार बूथ से लेकर सभी केंद्र पर सभी लोग काम करते रहे, जिला स्तर पर सभी बैठके करते रहे, सारी संरचना हमारी काम कर रही है।